नमस्कार, मैं राधिका जैन आपको तुलसी के कुछ फायदे बताना चाहती हूँ। हमारे देश में तुलसी का पौधा घर घर में मिलता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ के समान पवित्र होता है। तुलसी ही एक ऐसा पौधा है जो अपनी वायु से आकाश, धरती और जल को शुद्ध करता है। तुलसी के पास बैठकर प्राणायाम करने से शरीर बलवान और प्रभावशाली होता है। तुलसी में विद्युत शक्ति भी होती है, इसीलिए गले में तुलसी की माला पहनने को कहा जाता है। तुलसी स्मरण शक्ति को तेज करने व शरीर में लाल रक्त सेल्स यानी हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। ज्वर में तुलसी व काली मिर्च 3 ग्राम और 1 चम्मच शहद को मिलाकर दिन में 4 टाइम लेने से ज्वर, खांसी और श्वास के रोग दूर होते हैं। इसके नित्य सेवन से एसिडिटी मिट जाती है। तुलसी के रस में नमक मिलाकर उसकी बूंदे नाक में डालने से मूर्छा दूर होती है। तुलसी की सूखी पत्तियों को पानी में पीसकर उसका उपटन लगाने से चेहरे व शरीर की सुंदरता बढ़ती है। तुलसी मुहासे, झाई व सफ़ेद दाग भी दूर करती है। सर दर्द में तुलसी के रस को माथे में मलने से और पत्तियों को सूंघने से सर दर्द में आराम मिलता है। लकवा होने पर तुलसी की थोड़ी सी पत्तियां पानी में उबालकर उस पानी को छानकर लकवे वाले अंग को मल मल कर धोएं। ऐसा लगभग 20 दिनों तक करने से लकवे के रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। पेट दर्द में तुलसी और अदरक का रस गर्म करके पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में कीड़े होने पर तुलसी की 11 पत्तियां, 1 चुटकी बायबिडंग और थोड़ा सा गुड़, तीनों को पीसकर गोलियां बना लें। सुबह शाम एक एक गोली ताजे पानी में 1 सप्ताह तक लें, जिससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। अपच होने पर तुलसी की पत्तियां पीसकर पानी में घोलकर पीने से पाचन शक्ति तेज होती है। दस्त होने पर 4-5 ग्राम तुलसी के बीजों का चूर्ण दिन में 3 बार खाने से दस्त रुक जाते हैं। हैजा होने पर तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च दोनों को पीसकर थोड़ी थोड़ी देर में लेने से हैजे में काफ़ी लाभ होता है। मुंह में छाले होने पर तुलसी और चमेली के पत्तों को एक साथ चबा चबा कर खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। चेचक के बुखार में तुलसी की मंजरी 3 ग्राम, मेथी 3 ग्राम और कूट 2 ग्राम, तीनों को 1 कप पानी में गर्म करें। जब पानी 1/4 कप रह जाए तो छानकर रोगी को पिलाएं। इससे चेचक का ज्वर चला जाता है। पीलिया में तुलसी की पत्तियों का रस 3 ग्राम, मूली का रस 10 ग्राम तथा गुड़ 10 ग्राम तीनों को मिलाकर दिन भर में 2 खुराक के रूप में सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। कान के दर्द में तुलसी की पत्तियों का रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द रुक जाता है। दांत के दर्द में तुलसी की पत्ती को अदरक के टुकड़े के साथ दांत या दाढ़ के नीचे दबाने से दाढ़ दांत का दर्द दूर हो जाता है। बिच्छू द्वारा मारे हुए डंक के स्थान पर तुलसी की पत्तियों का रस मलें। रोगी को तुलसी तथा काली मिर्च का काढ़ा नमक डालकर बार बार पिलाएं, जिससे बिच्छू का विष उतर जाएगा। गले में दर्द होने पर तुलसी के पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से गले का दर्द ठीक हो जाता है। दाद होने पर तुलसी के पत्तों के रस में जरा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। खांसी होने पर तुलसी दल के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से खांसी दूर होती है। तुलसी की पत्तियों के काढ़े में काली मिर्च का चूर्ण और शहद मिलाकर लेने से भी खांसी ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम में तुलसी की पत्तियां, अदरक तथा काली मिर्च तीनों का काढ़ा बनाकर शक्कर के साथ पीने से सर्दी जुकाम बह जाता है। तो ये है तुलसी से होने वाले कुछ फायदे और उसके गुण। आशा करती हूँ कि आप अपनी अच्छी सेहत और सुंदरता के लिए इसके गुणों को ज़रूर अपनाएंगे। मैं राधिका जैन आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ।